दोस्तों, पनियाहवा और बगहा को जोड़ने वाले पुल को तो सभी जानते हैं, पहचानते हो और देखा सभी ने होगा लगभग। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों के ज़माने पे जिस समय जुड़ा था छितौनी और बगहा का पुल रेलवे से, उस पुल को आपने देखा है? नहीं देखा है तो चलिए हम दिखाते हैं। और यह है वो 1928-29 में यह पुल बाढ़ में बह गया था। उसके बाद शायद किसी ने इसके तरफ देखा भी नहीं होगा, ना किसी ने दिखाने की कोशिश किया है। लेकिन हमारे YouTube चैनल पर आज पहली बार उस पुल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और नज़दीकी से आपको उस पुल को दिखा रहे हैं और उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं छितौनी और बगहा के बीच में जो अंग्रेजों के ज़माने में पुल बना हुआ था, रेलवे पुल, उसी पुल को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई देता होगा, हमारे पीछे पुल तो नहीं है, लेकिन पुल के जो पाए हैं वह अभी बरकरार हैं। यह पुल 1928-29 में बाढ़ की वजह से बह गया था। बाढ़ की वजह से बहने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संपर्क टूट गया, जिससे कि यहाँ की रोटी और बेटी का रिश्ता जो है टूट गया। उसके बाद जमाना बीत गया इन दोनों को रेलवे और रोडवेज से जोड़ने में, जो कि नया पुल जो बना 2002 में पनियाहवा पुल, उसके चलते आजकल आवागमन शुरू हुआ है। तो आइए हम इस पुल की बनावट दिखाते हैं कि उस समय आधुनिक तकनीक इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा यह पुल ईंट और चूने से जोड़ करके बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए इस पुल की विशेषता हम बताते हैं आपको। देखिए, ईंट आज भी कितनी मजबूत है, लेकिन इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह सुर्खी और चूना, जिसका कि ईंट को ही कूट करके पाउडर बनाने के बाद उसमें चूना मिला करके और इससे उसकी जुड़िया हुई है, जिससे आज भी है इतना मजबूत है। उस समय तकनीक इतना विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इतना मजबूत पुल बनाया था। और ईंट के ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का शिलापट रखा गया है, उसके ऊपर फिर वह रेल लाइन बिछाई गई होगी, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में तकनीक उस समय भी थी, विकसित थी, लेकिन आज के आधुनिक तकनीक से बढ़िया थी। आज के पुल तो उद्घाटन होने के बाद ही कई पुल ढह जाते हैं, लेकिन यह पुल बाढ़ की चपेट में आने से बह गया है। लेकिन इसके सारे के सारे पाए आज भी जिस तरह से खड़े थे, उसी तरह खड़े हैं। और हम इस समय जहां खड़े हैं, बस ठीक सामने हमारे बगहा है, बिहार का बगहा। बगहा और छितौनी को जोड़ता हुआ यह रेलवे लाइन पुल बना हुआ था, जिसकी नज़दीकी यहाँ नदी की भी बहुत कम है। और बता दें आपको कि यह गंडक नदी पर ही यह पुल बना हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टीमर दो दो आ रहे हैं बगहा की तरफ से। नदी का बहाव यहाँ पर कम है, सकरी नदी है, जिसके चलते लोग इसी के द्वारा आते और जाते हैं इस पार से उस पार, अपना माल मवेशी चराने का, चारा ले जाने का, लाने का, और बड़ी बड़ी लोडेड गन्ना की गाड़ियाँ भी इसी पर चढ़कर लदकर जाती हैं वापस। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ एक स्टीमर आकर के लग गया है और एक दूसरा स्टीमर यहाँ पर आ रहा है, जो कि इस घाट पर लगेगा। और इसी स्टीमर के जरिए ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सभी अपने गंतव्य को जाएंगे। इन्हीं स्टीमरों के माध्यम से ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, गन्ना लदी सभी पार जाएंगे, जो कि यहाँ से होकर बगहा चीनी मिल में जाएगा। तो चलिए, थोड़ा हम भी स्टीमर पर चढ़ दें, उसके बाद उतर जाएंगे। चाचा, को चक्कर लग जला है पर, को चक्कर लग जला दिन भर? हाँ, भीड़ के हिसाब से तो डेली आप लोग चलते हैं। हाँ, ऐसा डीजल इंजन लगा हुआ है इसमें, ट्रक का इंजन लगा है, देख ली थोड़ा सा घूम के। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ हमने यहाँ ऑपरेटर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें ट्रक का इंजन लगा हुआ है। ये लगा हुआ है इसमें इंजन, आप लोग देख रहे होंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से होता है इसका। हम दिखा रहे हैं आपको ये है इसका हैंडल, जिससे कि इसे घुमाया जाता है। यहाँ पर मेरे को लगता है एक ब्रेक और एक एक्सेलेरेटर होगा, एक नीचे आपको दिखाई देता होगा।
और इसी पर चढ़ कर के और एक उस स्टीमर पर चढ़ के लोग यहाँ से बगहा की तरफ जाएंगे, नदी को पार करेंगे। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि पुल ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को कितनी असुविधा होती है, क्योंकि पनियावा पुल यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे आना जाना इन लोगों के लिए काफ़ी कठिन होगा। इस वजह से यहाँ पर नदी का बहाव कम है, प्लस इसकी सकरा काफ़ी सकरा घाट है, इसकी वजह से यहाँ पर स्टीमर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग जो काम कर रहे हैं इस तरफ आते हैं अपने खेतों में, इसी के माध्यम से आते हैं और इसी के माध्यम से चले जाते हैं। और इसी पर बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ ट्रैक्टर सारे इसी पर लद करके बगहा की तरफ जाते हैं, और सुबह फिर बगहा की तरफ से इस तरफ को आते हैं अपने काम धाम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। और यहाँ हम आपको दिखा दें, इस स्टीमर में जो है ट्रक का इंजन लगा हुआ है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, जिसके चलते यह इतना लोड ले करके चल पाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा कि 1928-29 का रेलवे ब्रिज जो गिरा था या बाढ़ में बह गया, उसके बाद से छितौनी में रेलवे स्टेशन छोटी लाइन का जो था वो यहीं पर था, लेकिन दुर्भाग्य यह है नगर पंचायत छितौनी का कि यहाँ रेलवे स्टेशन था लेकिन है नहीं, यहाँ पर चीनी मिल था लेकिन है नहीं, विकास के दोनों जरिए थे लेकिन आज कुछ भी नहीं है। डेवलप का यह दोनों चीज़ बहुत अच्छा था, जिससे कि यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ता है, वहाँ पर व्यवसाय का जरिया भी बढ़ता है, लेकिन यह दोनों ही चीज़ें यहाँ से छिन गई। और तत्कालीन सरकारों की उदासीनता का नतीजा है कि यहाँ का जो चीनी मिल था वह भी बंद पड़ गया, जो कि सबसे पुराना चीनी मिल कुशीनगर का था। तो इससे यही बताने का तात्पर्य यही है कि नगर पंचायत छितौनी का जो भी विकास होना था वह ठप हो गया और सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में जो नया पुल बना उसको खींच करके पनियावा पर बना दिया गया, जो कि छितौनी से अगर जुड़ता तो शायद छितौनी का विकास और भी ज़्यादा तेज़ी से होता, लेकिन उसको हटा करके पनियावा से कर दिया गया सीधे बगहा, जिसकी वजह से यहाँ का विकास ठप हो गया। तो अभी हम दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में कि पनियावा कहाँ पर है, पनियावा का ब्रिज कैसे बना। तो चलिए छितौनी का मार्केट दिखाते हैं और उसके बारे में भी बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 1928-29 में जो पहले का रेलवे ब्रिज था, टूट जाने के बाद पनियावा को सिलेक्ट किया गया, रेलवे ब्रिज प्लस रोड दोनों ही एक साथ बनाया गया, जिसका उद्घाटन 2002 में हुआ। 2002 से पुनः बिहार और यूपी का रोटी बेटी का नाता चालू हुआ। तो यूँ तो कहा जा रहा है कि पनियावा को टूरिस्ट पैलेस बनाने को, लेकिन यहाँ पर उतनी फैसिलिटी अभी तक दिया नहीं गया है। बस पानी में एक स्टीमर हम देख रहे हैं कि घूम रहा है, जो कि पर्यटक आए हुए होंगे और घूम रहे होंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने प्रियजनों का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी ये इस बात की है कि उन्हें अपनी लकड़ी का व्यवस्था स्वयं घर से ही करके आना पड़ता है। अगर इसे टूरिस्ट प्लेस या और भी चीज़ों से लिए विकसित करना है तो यह सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पर पर्याप्त रूप से जारी रखना पड़ेगा। तो आप जब भी घूमने आए पनियावा, स्टीमर का मज़ा ज़रूर लें पानी में, सब परिवार आएँ। तो आपको बता दें कि जो पुराना पुल है उस पुल की और इस पुल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। यदि इस पुल को वहीं पर पुनः बनाया गया होता तो उससे छितौनी क्षेत्र का विकास अधिक हुआ होता, लेकिन सरकारों के मन में क्या था कि इस पुल को काट करके यहाँ पनियावा में शिफ्ट किया गया है, जो कि पनियावा सिर्फ इस समय मशहूर है मछली और भुजा खाने के लिए, जिसे दूर दूर से लोग यहाँ पर मछली और भुजा खाने आते हैं, इसी वजह से पनियावा प्रसिद्ध हुआ है। बाकी वैसा और कोई पैलेस नहीं है यहाँ देखने के लिए, ताकि पनियावा पर कोई रुके, ना ही कोई बढ़िया होटल है, ना रेस्टोरेंट है, बस वही एक है जो रोड के किनारे दोनों ही तरफ मछली और भुजा के स्टॉल लगे रहते हैं, वहीं लोग खाते हैं पीते हैं और पुनः अपने गंतव्य को चले जाते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी, और आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो नए जगह, तब तक के लिए नमस्कार।